एस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष कुमार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में टेबल क्रिएशन में गुड्स रिसीव नोट बनाना। गुड्स रिसीव नोट टेबल का एक फॉर्मेट है जिसमें कि हमें गुड्स की डिटेल को क्रिएट करना होता है इसके अंदर में। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गुड्स रिसीव नोट को कैसे बनाना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेस करेंगे विंडो आर और विनवर्ड को ओपन करना है। तो पहले हम डिटेल इसके अंदर में बनाएंगे जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बनाया था। लगभग थोड़ा सा फॉर्मेट पिछले वीडियो के ही मैच करेगा इसके अंदर में, क्योंकि हम फॉर्म जनरेट कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें काम करेंगे। तो सबसे पहले प्रेस करना है कंट्रोल ई सेंट्रल एलिमेंट और यहां पे हम हेडिंग टाइप कर देते हैं गुड्स रिसीव नोट एंटर। लेफ्ट एलिमेंट कंट्रोल एल, देन फिर से हम यहां पे टाइप करेंगे जो हमारा डिटेल है जीआरएन रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर एक आइडेंटिटी का काम करता है, रेफरेंस के लिए यूज करेंगे। बट जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमें कोई डिटेल लाइन जनरेट करनी है तो पिछली क्लास में हमने टैब सेटिंग के बारे में थोड़ा सा जाना था, थोड़ा सा इसमें भी हमें टैब का काम करना है। तो टैब की मैंने कमांड बताई थी Alt O T टैब सेटिंग। यहां पे हमें टैब लगाना होगा। तो टैब फर्स्ट हम लगाएंगे यहां पे 1.5 पे। 1.5 मतलब कि जब हमारा पहला टैब लगेगा वो इस पॉइंटर मतलब इस रूलर के ऊपर आपको लगाना होगा। तो 1.5 पे लगाने के बाद हम इसे सेट कर देते हैं डायरेक्टली। उसके बाद जो हम दूसरा टैब लगाएंगे वो मैं लगाएंगे 3 पॉइंट पे। 3 पॉइंट पे लगाने के लिए 3 लिख के यहाँ पे लीडर का इस्तेमाल करना है। तो लीडर में मैंने बताया था कि ये स्टाइल होता है जैसे 2 नंबर डिजाइन 3 नंबर डिजाइन और ये 4। तो इसमें हम 4 का यूज कर रहे हैं क्योंकि फॉर्म वगैरह में लाइन में हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। ओके करते हैं। तो प्रेस करते हैं टैब तो कंटेंट अपने आप आगे चला जाएगा और दूसरी बार टैब करेंगे तो यहां पे एक लाइन आपकी आ जाएगी डेट टैब अगेन टैब इंटर चलान नंबर। इनवॉइस नंबर इनवॉइस डेट पीओ नंबर नेम ऑफ सप्लायर। एड्रेस। अब जैसे कि यहां पे मैं चाहता हूं कि जो एड्रेस है वो थोड़ा बड़ा लाइन में आ जाए तो हम क्या करेंगे इस टैब को दोबारा रीड करके Alt T कमांड से और 3 वाले टैब को क्लियर कर देना है यहां से और इस टैब को बढ़ा देना है। तो टैब मैं ये 6 पे लगा देता हूं और लीडर का यूज करेंगे सेट। ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। जनरली क्या है कि टैब को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। ये कमांड से मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इसकी लेआउटिंग को अच्छी तरह से यूज कर सकें, इसको हम डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा। अब क्योंकि हमें फॉर्मेट बनाना है तो हमें कितने रो कितने कॉलम लेना है वो हम यहाँ पे काउंट करके टाइप कर देंगे। तो इंसर्ट में जाना है टेबल और यहाँ पे लिखना है आपको इंसर्ट टेबल। तो नंबर ऑफ कॉलम हमें चाहिए इसके अंदर में 6 तो यहाँ पे कॉलम टाइप कर देंगे 6। नंबर ऑफ रो चाहिए मुझे इसमें 15 तो 15 लिखने के बाद इसे ओके कर देंगे। तो ये हमारा टेबल में कन्वर्ट होकर आ गया। अब हम यहाँ डिटेल पुट कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे सीरियल नंबर, टैब दबाया यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, टैब क्वांटिटी, टैब नंबर, टैब एक्सपायरी डेट, टैब और टोटल। अब जैसे कि क्या होता है कि मान लो हमें कुछ कंटेंट में एडजस्टमेंट करनी है जैसे कि मान लो
सीरियल नंबर मुझे छोटा करना है इसका कॉलम, तो इसको ड्रैग करके आप इजी छोटा कर सकते हैं। मान लो क्वांटिटी का थोड़ा स्मॉल करना है, पीओ का थोड़ा स्मॉल करना है, तो इसे अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये सब हम सेटिंग के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। डेट का थोड़ा कॉलम छोटा कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि हम इसमें ज्यादा से ज्यादा डिटेल को हैंड ओवर कर सकते हैं, क्योंकि गुड्स के लिए डिस्क्रिप्शन के लिए कंटेंट थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। अब हम नीचे की डिटेल बनाएंगे, तो नीचे हम थोड़ा मैनुअल काम करेंगे। तो जो मैंने टैब लगाया था वो टैब को हम यहाँ से क्लियर कर देंगे। तो टैब क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है क्लियर ऑल, ओके। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे गेट ऑफिस, तो इसमें एक लाइन पहले मैं जनरेट कर देता हूँ। तो शिफ्ट के साथ आपको प्लस के बगल में एक साइन होता है माइनस का, वो माइनस प्रेस करना है। और टैब का आप यूज करेंगे मैनुअल में आगे की डिटेल के लिए। तो एक और मैंने यहाँ पे लाइन यूज किया शिफ्ट अंडरस्कोर, फिर टैब का यूज किया, और एक बार फिर से मैंने लाइन यहाँ पे यूज किया शिफ्ट डैश का, एंटर। अब यहाँ पे इसके नीचे जो डिटेल है, तो यहाँ पे लिखा है गेट ऑफिसर, इसके साइन यहाँ बनाने होंगे। फिर टैब यूज करेंगे और यहाँ पे दिया हुआ है स्टोर्स ऑफिसर, और इस जगह पे हम इसे पुट करेंगे मैनेजर स्टोर्स, स्टोर। अब इसमें देखो गैप बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये गैप को थोड़ा कम करना है हमें। इस गैप को कम कैसे करना है, तो इसके लिए हमें जाना होगा होम में। होम के अंदर यहाँ पे ऑप्शन होता है लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग में होता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो ये स्पेस कम हो जाएगा। अगर इसे आप कीबोर्ड से कम करना चाहते हो तो इसकी एक कमांड है, कमांड क्या है, अल्ट एच के ए, तो इसको बोलते हैं एड एंड रिमूव लाइन स्पेसिंग। तो इससे आप इसका लाइन स्पेस हटा सकते हो। तो ये हमने डिटेल इसके अंदर पुट कर दिया है। अब इसके अंदर हम एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे एक्नॉलेजमेंट का, कि इसको कैसे क्रिएट करना है। तो हम इसमें फिर से इंसर्ट में जाके इस बार हम ड्रो टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो ड्रो टेबल हमने पहले भी रीड किया था कि इस तरह का एक फॉर्म यूज कर सकते हो, जितना लाइन लिखना है उतना आप कंटेन लिख के इसमें डिटेल बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट यूज किया, अब इसके अंदर में हम यहाँ डिटेल बना देते हैं। तो डिटेल लिखना होगा हमें इसके अंदर में, कंट्रोल ई, यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं एक्नॉलेजमेंट सप्लायर। और इस वाले कॉलम में हम जो डिटेल है हमारी वो बना देते हैं, तो नेम ऑफ डिस्पैचर, यहाँ पे हम सिंपल लाइन का यूज करेंगे, क्योंकि अगर हमें इसमें टैब लगाना होगा तो टैब थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए मुझे इस तरीके से लाइन ड्रैश के द्वारा शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसको बनाना पड़ेगा। ये हमने जनरेट कर दिया। अब इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी बाकी है, तो मैं यहाँ थोड़ा सा एंटर करके इसे नीचे कर लेता हूँ, एक एंटर यहाँ पे करके डिटेल में गैप। अब आते हैं लेआउट पे, लेआउट पे इसका अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं, मिडिल अलाइनमेंट कर देते हैं। अब थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, तो पहला कंटेन को थोड़ा बड़ा रखना है, तो बड़ा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज करेंगे, बोल्ड, कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया।
हेडिंग को थोड़ा एडजस्ट करना है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, लेआउट में जाएंगे, अलाइनमेंट करेंगे सेंटर, और यहां से इसको बोल्ड कर देंगे कंट्रोल प्लस बी से, इस तरीके से। बाकी डिटेल हमने नीचे यहाँ पे बनाया, लेकिन अब ये दो पेज में चला गया है। तो थोड़ा सा और काम है, काम ये है कि इसका जो मार्जिन है इसको हम डायरेक्टली अभी एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा खींच लेना है। यहाँ से ये जो एरो बनकर आएगा यहाँ पे टू साइड एरो, तो ये मार्जिन सेटिंग है इसका। वैसे तो हम डायरेक्टली पेज लेआउट के द्वारा यूज करते हैं, बट अगर मान लो छोटी एडजस्टमेंट है तो आप इसको डायरेक्टली मैनुअल भी यूज कर सकते हैं। देन अगर आपको इसमें थोड़ा फॉर्मेटिंग और करना है तो इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं पेज लेआउट में जाके। यहाँ पे देख सकते हैं पेज कलर है, तो यहाँ से ये बैकग्राउंड कंटेंट का इस्तेमाल हम फॉर्म वगैरह में कर सकते हैं कि कैसा आपको पेज कलर रखना है। इसको क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से फॉर्मेटेड बनकर आ जाएगा। तो ये भी हमने एक टेबल का यूज किया, गुड्स रिसीव नोट बनाया। तो आप बहुत तरह के फॉर्मेट इसके ऊपर बना सकते हो टेबल के अंदर में, और ये हम इस कंप्लीट कर चुके हैं इस टेबल को। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टेबल का पूरा लेआउटिंग बता दूंगा कि हम लेआउटिंग वगैरह कैसे करते हैं टेबल के अंदर में। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा, लेआउट मतलब ये जो हमारा लेआउट है इसकी पूरी सेटिंग हम इसके अंदर में सीखेंगे। डिजाइनिंग तो हमने वैसे रीड किया था, लेकिन इसको मैं एक बार और बताऊंगा। तो ये पूरा कंटेंट मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा लेआउटिंग का। देन उसके बाद टेबल आप किसी भी तरह का क्रिएट कर पाएंगे, और अगर इसको आप बनाते हैं प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपका फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो जाएगा और टेबल का ऑप्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे करूंगा वाइंड अप, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो भी इसका वीडियो का यूटिलाइज कर सकें और इस तरह के कंटेंट को बना के अपने वर्ड में फॉर्मेटिंग और टेबल के ऑप्शन को क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।